नमस्कार, आप देख रहे हैं समर्थ सहारा, मैं आपके साथ दिव्या। आइए करते हैं खबरों की शुरुआत। श्योपुर जिले की बड़ौदा तहसील में आज एसडीएम एसडीओपी नगर निरीक्षक तहसीलदार ने मिलकर बिना मास्क पहने घूम रहे लोगों पर चालान काटकर कार्रवाई की। एसडीएम रूपेश उपाध्याय ने बताया कि भारत सरकार के नियम अनुसार आज बागर रोड बड़ौदा में बिना मास्क लगाए घूम रहे लोगों के खिलाफ चालान काट कर समझाइश दी गई कि बिना मास्क पहने नहीं निकले, सोशल डिस्टेंस का पालन करें ताकि कोविड-19 जैसी घातक बीमारी से बचा जा सके। लोग बिना मास्क लगाए घूम रहे हैं, इसलिए आज चालानी कार्रवाई की गई। ऐसे में शासन के निर्देश है जिससे लोग सुरक्षित रह सके। इस मौके पर एसडीएम रूपेश उपाध्याय, एसडीओपी बड़ौदा तहसीलदार भरत नायक, राजस्व निरीक्षक मनोज झा, नगर पालिका के कर्मचारी, तहसील कर्मचारी मौजूद रहे। आदेश है कि कोई भी आदमी मास्क नहीं निकलना चाहिए और सोशल डिस्टेंस का पालन करना चाहिए, लेकिन देखने में आ रहा है कि लोग ऐसा कर नहीं रहे हैं। तो आज हम एसडीओपी साहब सारे लोगों ने आज कार्रवाई की है और ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी।